चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की, जहां पर रविवार सुबह नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए। बीते लगभग 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अभी तक 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। महाराष्ट्र में नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस के बीच फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां दो नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि जिले के कोरची तहसील में नौरकस जंगल में मुठभेड़ चल रही है। अभी पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दो नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें दो नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों को 1 मई को जवानों पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड भास्कर के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो नक्सली मारे गए। पुलिस के मुताबिक गढ़चिरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में भास्कर घायल हो गया है। भास्कर स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है और अप्रैल में सुरक्षा बलों ने उसकी पत्नी को भी मार गिराया था। बता दें कि महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में घने जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 29 जुलाई को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई थी। नेशनल डेस्क।